हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है डिवीजन का मेथड सीखेंगे कि डिवीजन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अभी आपने जाना कि डिवीजन जो होता है वो रिपीटेड जो है सब्ट्रैक्शन, मतलब लगातार जो है एक ही संख्या को किसी संख्या में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जितनी टाइम हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो जो है उसका क्या आता है, कोशेंट हो जाता है। ठीक, तो हम जो है आज मेथड ऑफ डिवीजन सीखेंगे कि जो है डिवीजन के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके से हम जो है किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और उससे जो है आप कोशेंट या इसका रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं पहला मेथड जो है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जैसा कि बोर्ड पर हमने लिख दिया है पहला मेथड है, उसके बाद सेकेंड मेथड भी आपको बताया जाएगा। दो मेथड है यहाँ पर आपको पढ़ना। तो इस पहले वाले मेथड के द्वारा हम किस तरीके से किसी भी नंबर को जो है डिवाइड करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिपीट करना, बार बार जो है सब्ट्रैक्ट करना किसी भी नंबर में से, वो वाला आपका तरीका है। इसको आगे देखते हैं। जैसे हमको मान लीजिए ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई, अभी आपको बताया गया कि डिवाइडेड बाई का एक निशान होता है 3। 24 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप स्टेट डालेंगे, यहाँ पर आप स्टेट डाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर लिखाएगा इसको इस साइड में हम थर्ड स्टेट यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट या स्टेट वन, स्टेट वन, स्टेट वन में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए आप कि 24 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ 24 माइनस 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, यहाँ आ जाएगा 21। आप यहाँ देखेंगे 4 में से 3 निकल जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 2 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आप सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकेंड या 2। तो ये नंबर जो आया आपको डिफरेंस, इस डिफरेंस को ही ध्यान देना है। अब डिफरेंस में से 3 लाइन 3 लाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपका आ जाएगा इसमें यहाँ पर 18। फिर क्या करेंगे, स्टेट सी में 18 माइनस 3 करेंगे, आपका आ जाएगा जो 18। फिर स्टेट 4 करेंगे यहाँ, फिर आगे है स्टेट 5 करेंगे तो आपका 10 माइनस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब स्टेट 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 माइनस 3, यहाँ 9 आएगा, गलत बताया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 9, 12 माइनस 3 क्या आएगा 9। यहाँ आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नीचे हो रहा है उसको ध्यान दिया, 9 माइनस 3 करेंगे आपका आ जाएगा बच्चों 6। अब आपका आ जाएगा 7 में आ
से ये सिक्स माइनस का कुछ करेंगे ये आपका आ जाएगा थ्री। और लास्ट स्टेप लगाया हम लोग देखिए स्टेप एट, स्टेप आपका एट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ तीन में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री को तो आपका आ जाएगा जीरो, क्या आएगा जीरो। इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट स्टेप हमने जो है थ्री को रिपीट किया सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा लास्ट में जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर या डिस्टेंस आ रहा है दूसरा आ रहा है कितने स्टेप उसको सब्ट्रैक्ट करने पर आया एक स्टेप, तो एक जो आया है उसको यही एक आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब जितने टाइम आप रिपीट करते हैं सब्ट्रैक्ट करने में, ठीक है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक टाइम सब्ट्रैक्ट किया गया यहाँ पर यहाँ दो लगा इसलिए इसलिए इसका रिजल्ट जो आएगा उसको ठीक है वो देख आएगा इसका हो जाएगा एक। अब आप समझ गए होंगे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा किस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक दूसरे नंबर से जो है डिवाइड करते हैं और उसका जो है रिजल्ट या क्वेश्चन जो है हम प्राप्त करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कोई नंबर है आपका मान लीजिए यहां पर है सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर, सिक्सटी को हम फोर से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो इसका स्टेप आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा इसको आप रिपीट करके जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तब इसका जो है क्वेश्चन आप जो है प्राप्त करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे सिक्सटीन माइनस फोर तो आपका आ जाएगा थ्री, उसके बाद स्टेप सेकेंड में आप ट्वेल्व माइनस फोर इक्वल, देखिए ट्वेल्व में से फोर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा एट, उसके बाद स्टेप थर्ड एट में से फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर तो आ जाएगा फोर, और स्टेप फोर में आप इस फोर में से फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा जीरो। अब आपने देखा जो कि हमको कब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि आपका डिफरेंस जीरो ना आ जाए, और जितने टाइम आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या जितने स्टेप आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उतना ही जो है यहाँ पर क्वेश्चन आएगा या रिजल्ट आएगा क्वेश्चन, ये आपको समझ आए। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, हमको सिक्सटीन को फोर से डिवाइड करना है तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया सिक्सटीन में से फोर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो डिफरेंस आया ये ट्वेल्व आया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि ट्वेल्व जो है यहाँ आया और यही जो है इसको हम पूरा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्या गया सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस क्या गया एट आ गया, देखिए कम होता चला जा रहा है लेस हो रहा है। अब ये एट जो है हमने थर्ड स्टेप में यहाँ क्या गया थर्ड स्टेप में एट कहाँ गया यहाँ गया, फिर एट स्टेप में हमने जो है फोर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो डिफरेंस आया क्या आया फोर आ गया, फोर को हमने
स्टेप नंबर फोर में, फिर फोर में से हमने फोर सब्जेक्ट किया तो हमारा डिफरेंस क्या है बच्चों, जीरो आ गया। तो जीरो जब आ जाता है तभी हमको उसको इस प्रोसेस को रोक देना है, इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जब जीरो आ गया तो जीरो एक एलिमेंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जितना स्टेप आप सब्ट्रैक्ट किए हैं, जैसे फोर टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट किए हैं फोर स्टेप, तो फोर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, इसको आप आंसर लिखेंगे इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा, रिस्टेट सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा हम जो है किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और कोशेंट प्राप्त करते हैं। आइए इस मेथड के द्वारा एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे प्योर सेल्फ से। ऐसे प्योर सेल्फ में आप देखेंगे बच्चों, पेज नंबर आपका 51, पेज नंबर है आपका 51, ध्यान देखिए आप, पेज नंबर 51 पर आपका एलसी योर सेल्फ है। यहाँ देखिए क्रिकेट सब्ट्रैक्शन मेथड हम लोग कितने बच्चों, ए एलसी योर सेल्फ पेज नंबर 51 पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, यूज रिस्टेट सब्ट्रैक्शन मेथड टू सॉल्व, यूज रिस्टेट सब्ट्रैक्शन मेथड टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर है, यहां लिखा है ए मेथड, उसके बाद लिखा है टू सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हमको रिस्टेट सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करना है, जिस मेथड से हमने दो एग्जांपल आपको बताया है सेम उसी मेथड का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका 48/6, पांचवा क्वेश्चन आप इसका देखिए एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने आपको बताया है, पांचवा क्वेश्चन हम बता रहे हैं तो, या कोई एक क्वेश्चन मान लो हम पूछते हैं पांचवा ही है, ठीक है। 48/5 आपका है यहाँ पर 6, 48/6 इसका आंसर क्या आएगा, आप उसको स्टेप बाई स्टेप लगाएंगे तो यहां से आप उसको लगा सकते हैं स्टेप 5, यहाँ पर
बताए बच्चों, यहां देखेंगे यहां किस होगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद माइनस सिक्स इक्वल 30 हो जाएगा, स्टेप फोर 30 माइनस सिक्स इक्वल 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टेप सिक्स 24 माइनस सिक्स 18 हो जाएगा, और उसके बाद स्टेप नंबर सिक्स में आपका 18 माइनस सिक्स इक्वल 12 हो जाएगा, और स्टेप नंबर आप 7 लाएंगे तो 12 माइनस सिक्स इक्वल 6 हो जाएगा, और स्टेप नंबर 8 में आएंगे आप तो आपका 6 माइनस सिक्स इक्वल 0 है। तो यहां आपने देखा कि 48 को 6 से हमको डिवाइड करना है, तो पहला स्टेप में हमने किया बच्चों 48 माइनस 6, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसी को आपको सबट्रैक्ट करना है, बार 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 डिवाइड करना है उसको। 48 माइनस 6 किया 42 आ गया, 42 माइनस 6 ये 42 यहां आ गया, अगले स्टेप में आपको बताया गया है 36 अगले स्टेप में आ गया, उसको सबट्रैक्ट कर 30 अगले स्टेप में आ जाएगा, 24 अगले स्टेप में, 18 अगले स्टेप में, 12 अगले स्टेप में, और 6 अगले स्टेप में आ जाएगा। हमको सब तक जो है उसको डिवाइड करना है, जब तक कि आपका रिलेटर जो है उसको रिलेटर है आपका 0 नहीं आना चाहिए, ठीक, तब तक हमको डिवाइड करना है। और कितना टाइम का जो है इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप आपका सब बन रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक टाइम हमने इसको सबट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में लिखेंगे 8, यानी कि 8। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आपके एनसीटी और सेल्फ में दिया है, ठीक है। इसको एक बार आप करते हैं, आज ये होमवर्क उसने इसी ऐसे से हम लोग क्वेश्चन देते हैं उसको। यूज स्टेट सबट्रैक्शन मेथड टू सॉल्व, जैसा क्वेश्चन अभी आपको बताया गया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है तो 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, यहां पर आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपका 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लेंगे
45 divided by 9 is equal to, यहाँ पर फिर करना है, और क्वेश्चन नंबर बी आपका 42 divided by 7 is equal to, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है आपका 28 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है आपका 16 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय 10। एक क्वेश्चन है बच्चों, होमवर्क हम तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जो है जो डिवीजन का मेथड है, मेथड ऑफ डिवीजन, उसमें सेकेंड मेथड हम लोग सीखेंगे। ये फर्स्ट मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, जिसके द्वारा आज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क के रूप में यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिया गया है, नोट डाउन करें बच्चों, और इसको होमवर्क के रूप में आप इसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, डिवीजन मेथड, जिसके द्वारा हम डिवाइड करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, एंड टेक केयर।